नहीं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्वाई इन्फो। ये कैडी केस है, सीडी रोम या डीवीडी रोम, ये हमारी 1 TB हार्ड डिस्क ने इस लैपटॉप के अंदर लगाई है। SSD 128 GB और ये वाली है हाइक्विजन की 128 SSD। ये इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दी है। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है कैडी केस कैसे इंस्टॉल करते हैं। और ये कोर i3 की 3rd जनरेशन लैपटॉप है। यहाँ पर ये देखें, कोर i3 3rd जनरेशन। तो लैपटॉप की 4 GB रैम है और बकाया जो इसकी हार्ड डिस्क, आपको पता है कि साटा वो मैंने रखी हुई है। साटा पे को बहुत ज़्यादा स्लो चलता है और अभी इसके अंदर सिर्फ हमने 128 SSD लगाई है। SSD काफ़ी कंपनीज की आती हैं लेकिन हाइक्विजन की बेहतर क्वालिटी की है और इसकी स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी होती है। आपने जब कैडी केस लेने जाना है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका लैपटॉप स्लिम केसिंग में है या फैटी में है। अब ये लैपटॉप जो है स्लिम में है, ठीक है। स्लिम लैपटॉप लेके आना है, स्लिम कैडी केस आपने लेके आना है। साइज़ यहाँ पे लिखा होता है, ये देखें 9.5 mm, तो ये इसका साइज़ है। इसी तरह जो फैटी होगा, जैसे ये अगर लैपटॉप देखें, ये पुराना डुअल कोर लैपटॉप है ये वाला, और इसका अगर आप देखें तो ये फैटी केस लग रहा है। अगर यहाँ पे इसको मैं रख के देखता हूँ सीडी रोम को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्लिम है और ये नीचे वाला फैटी है। तो ये सिर्फ आपको क्या रखना है ताकि आपका मार्केट में गए तो चक्कर लगने से बच जाए। यहाँ पे कैडी केस लगाने का तरीका ये है कि जैसे आप ये देखें ना, ये ऐसे आपने रख के देख लेना, ये है ना, ये ऐसे हम लोग, ये देखिए ये साइज़ बना हुआ है, ये कट बना हुआ है, ये आपने ऐसे रख के देख लेना। अब यहाँ पे आप देखें ये जो बैक स्क्रू होता है जो कि लैपटॉप के बॉडी के अंदर लगना है, अब ये जिस तरह आप खोलेंगे इसी तरह लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको रख के देख लिया, इसको खोलते हैं। ये अक्सर होता है कि लोग जो है ना लगाना पहले देखते नहीं हैं, बाद में फिर ट्राई करते हैं काफ़ी ज़्यादा और फिर मुश्किल लगती है उनको। ये सिर्फ हमने अब ऐसे खोल लिया, अब ये देखने लग गया। अब ये हार्ड डिस्क लगानी है, ये भी बड़ी आसान है। ये इसका जैक बना हुआ है, ये जिस तरह बने होंगे साटा जैक, ये आपने ऐसे रखना है और अंदर को प्रेस कर देनी है। ये प्रेस हो गया हार्ड डिस्क आपकी। अब ये 4 स्क्रू जो कि आपको इसी के अंदर मिलेंगे, ये आपने ओपन कर लेने, ये स्क्रू आपने यहाँ पर टाइट कर देनी है। और स्क्रू इतने ज़्यादा भी टाइट ना करें क्योंकि ये अक्सर क्या होता है कि इनकी जो है ना चूड़ी, जो ये फोरहेड वाली, ये ख़त्म हो जाती है बाक्सा खोलते हुए, तो ये ज़रा ख्याल कर लें। ये हमने टाइट हो गई कैडी केस के अंदर लगे, अब इसके अंदर लगाते हैं फिर आपको शो कराते हैं कि ये कैसे लगा के कैसे शो भी हो रहा है। अब इंस्टॉल तो हमने कर ली है, अब उसको लगाएंगे। ये सामने वाला केस है, इसको भी हमने ओपन कर लेना है। ये भी ऐसे ही है कि आपको थोड़ा सा ये बाइक को प्रेस करना है तो ये निकल जाएगा। इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे, इसको भी आपने ये देखें, ये बना हुआ जैक, ये भी इसको आइकन, हाँ ये भी इसी तरह लगा देंगे। और क्या हाल चाल, अभी इसका MS ऑफिस कंप्लीट होता है तो फिर कैडी केस हम लगाएंगे और इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। हमारी कंप्लीट हो गई है, नाम मैंने सिस्टम का रख लिया है और अब ये सिस्टम जो है डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा। लॉक होते हैं ना, ये अक्सर निकल जाते हैं बाहर, तो यहाँ पर हम ये ट्रांसपेरेंट टेप जो है ये लगाएँगे। ये टेप मैंने लगा दी है, अब ये कैडी केस जो है यहाँ पे लगा देंगे। अब ये देखें जिस तरह वो लगाया हुआ था इसकी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे, ये अपनी जगह पे बैठ के यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे ये वाला। ये स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ये हमारी आ गई जी 128 SSD ड्राइव और ये हमारी आ गई जो साटा ड्राइव हमने लगाई है। अभी इसको हम मैनेज में भी चेक कर लेते हैं। अब ये 128 जो है, आपको पता है कि विंडोज़ ड्राइव बन गई हमारी कंप्लीट, उसके ऊपर विंडोज़ ड्राइव नाम भी रखती है। तो वीडियो अपनी एंड करते हैं। कैडी केस कैसे लगाना है और किस लैपटॉप में कौन सा लगता है वो भी आपने कंफर्म आपको पता लग गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।